सर दिस इज सत्यरंजन साहू फ्रॉम ओडिशा। साहू जी आपने पूरा साहू जी आपने जी पूरा सर नाम क्या बताया है? सत्यरंजन साहू। सत्यरंजन साहू। अच्छा, आप सत्यरंजन साहू जी आप काम क्या करते हैं? सर मैं आपका क्राइम फ्री भारत ये से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, और वेरी गुड। क्राई टीम में काम कर रहा हूँ स्टेट ऑफिसर का हिसाब से इधर ओडिशा में। ओ बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लेकिन सर, आपको नहीं लगता है कि आपकी सभी समस्याओं का निदान इसमें छिपा हुआ है, समाधान छिपा हुआ है? हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत भी कर पाएंगे और उन्हें 21 टास्क फोर्स बनाकर आपकी सबकी जिंदगी बदलने के लिए मजबूर कर पाएंगे, क्या लगता है आपको? सर मैं दोबारा सुनना चाहूंगा। सर मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम 10 लोगों को संकल्पित कर शपथकृत कर मात्र 9 दिन तक जोड़ें और जिनको जोड़ें उनको भी शपथकृत कर संकल्पित करके फॉलो अप करें तो हम 9 दिन में 100 करोड़ होंगे। और जब ये जब 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे तो उन्हें 303 की जगह पूरी 543 सीटें मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? राइट सर, मिल जाएगी, जरूर मिलेगी। और यदि ऐसा होगा तो वो जब हम उनसे मांग करेंगे तो वो 21 टास्क फोर्स बनाकर आपकी जिंदगी में क्राइम फ्री भारत के पूरे 21 लक्ष्यों को जमीन में मात्र चंद महीनों में उतार देंगे कि नहीं उतार देंगे? जी सर। तो इसके लिए जो छोटा सा उपाय बताया गया है, सत्यरंजन जी आप मुझे बताइए कि हम उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे? क्या आपको टीम वर्क है? नहीं नहीं, कोई टीम वर्क नहीं है, छोटा सा वर्क है। टीम को छोड़ दीजिए, हमें चाहे किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, हमें केवल अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है, अपने ही रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने ही मित्रों को जोड़ना है, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ आसपास के पड़ोसियों को जोड़ना है, हम जहाँ पर भी हैं वहाँ आसपास जो युवा अवेलेबल हैं उनको जोड़ना है, आसपास जो बुजुर्ग साथी अवेलेबल हैं उनको जोड़ना है, और हम जिन संगठनों से भी जुड़े हैं जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ जो हमारे लोग हैं उनको जोड़ना है, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। राइट राइट। और उसको जोड़ने के पहले ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है, और ऊर्जाकृत करने और संकल्पित करने के लिए बहुत छोटा सा काम करना है, क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक हैं उसे डाउनलोड करके साथ में बैठ के सुनना है। राइट राइट। यदि मान लो उसके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहे हैं तो उसके प्रश्न पूछने के लिए उससे कहा जाए और उसका वीडियो बना लिया जाए, ठीक है ना? अच्छा सर, वो वीडियो आपको टेलीग्राम ऐप पर हमें भेजना है, ठीक है ना? टेलीग्राम ऐप। हाँ, टेलीग्राम ऐप से भेजना है क्योंकि उसमें 2 GB तक की फाइल भेजी जा सकती है, ठीक है ना? जी सर, जी सर। हम उसका जवाब भेजेंगे, वो आप सामने वाले को सुनाइए और जो जो एग्री होता जाए उसको संकल्पित करते जाइए, शपथकृत करते जाइए और उसके पीछे पड़िए कि वो भी 10-10 लोगों को जोड़े तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात मानने के लिए विवश होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे सर। अच्छा, हम अगर उनके लिए करेंगे तो वो भी हमारे लिए सोचेंगे। हम दूसरी बात भी कह रहे हैं कि अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी रोज एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी 80 करोड़ को फ्री राशन, आपका क्या मानना है? 80 करोड़ का फ्री राशन ये गर्व की बात है या लज्जा की बात है? गर्व की बात है सर। नहीं, ये बेहद ही लज्जा की बात है कि हमने इस देश में 80 करोड़ गरीब लोगों को रखा हुआ है और हमें उन्हें फ्री का अन्न देना पड़ रहा है। हम उन्हें समृद्धि क्यों नहीं दे रहे हैं? जब मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम 21 लक्ष्यों के तहत आपको 2 लाख रुपए की परचेजिंग पावर प्रति माह प्रति परिवार दे देंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी फ्री का अन्न देने की बजाय 2 लाख रुपए कमाने की रोजगार गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उन्हें रोजगार गारंटी देना है। अब बताओ वो जो है पीएम आवास योजना में कह रहे हैं कि हम इतने करोड़ घर बांटेंगे। अरे भाई, आप 2000 पीएम आवास योजना में घर क्यों बांटना चाहते हैं?
आप जो है उसको समृद्धि बांट दीजिए और उसको डिजाइनर घर दे दीजिए, वो अपनी इच्छा के हिसाब से जितने बड़े घर में रहना पाएगा वो रह जाएगा, और 2029 तक जब उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी तो आसान किस्तों में कट जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि मोदी जी को अपनी गारंटी बदलना चाहिए, उन्हें 21 लाखों को जमीन पर उतारने की गारंटी आम जनता को देना चाहिए? हाँ सर, ऐसा नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं जो कर रहे हैं मतलब 100% सब कुछ सही है, क्योंकि 100% सही तो छोड़ो, वो 1% भी सही नहीं है, क्योंकि आप यदि 80 करोड़ लोगों को, भारत की 140 करोड़ जनता में से यदि 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है तो ये कोई गारंटी नहीं है, ये बड़ी लज्जा का विषय है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए लज्जा होना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ सर, जो पीएम आवास योजना में वो घर बांट रहे हैं उसके लिए उन्हें लज्जा होना चाहिए, उसकी जगह उन्हें समृद्धि बांटना चाहिए जिससे लोगों की क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाए और वो डिजाइनर घर में रह पाए, चुल्लू भर छोटे से घटिया जो है पीएम आवास योजना में रहने की उन्हें जरूरत ना पड़े। ये लज्जा की जो बात मैं कह रहा हूँ उससे आप सहमत हैं? नहीं नहीं सर, मैं मतलब उसको अनुभव कर रहा हूँ जो बात आप बोल रहे हैं, मतलब पूरा बात ये मैं बोल रहे हैं जो बात में जिस्ट है, जो अगर किसी परिवार को समृद्धि बांटा जाएगा घर का बदले राशन का बदले तो उसका तरक्की होगा, वो आगे का सोचेगा। और आपके दूसरे अकाउंट में से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, मध्य प्रदेश अकेले में पिछले 18 सालों में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है, ऐसा मैं समय समय पर सुनता आ रहा हूँ। अब बताइए, यदि किसान को कर्ज नहीं लेना होगा तो क्या उसे आत्महत्या करना पड़ेगी? नहीं करना पड़ेगा, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कर्ज लेना क्यों है और आत्महत्या करना क्यों है? तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी गारंटी में किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होगी, ये गारंटी क्यों नहीं बांट रहे हैं? ये मोदी जी की गारंटी क्यों नहीं हो रही है कि अपराध मुक्त भारत के 21 लक्ष्यों को हम जमीन पर उतारने की गारंटी लेते हैं, ये मोदी जी की गारंटी है, ये क्यों नहीं कह रहे हैं मोदी जी? जब एक मैथिली शरण गुप्त जो अदने से डीजी रहे हैं वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी वो बात क्यों नहीं कह रहे हैं? मैं तो पिछले 5 साल से उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। जी सर, और हम आपको जो है ना 5 साल के लिए बताएंगे, पैसा दे देंगे आपको, सरकार की आय जो है वो 20 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी सत्यरंजन जी? 20 गुना। कितनी? हाँ, 20 गुना। और आपको टैक्स नहीं देना होगा, कितना अच्छा होगा। यदि आपको टैक्स मुक्त भारत मिलेगा नहीं होगा तो कितना अच्छा भारत होगा, जहाँ भारत का ज्यादा पैसा भी होगा। तो आप मोदी की बढ़िया होगा, आप मोदी की गारंटी में जो ये भारत मैं कह रहा हूँ वो क्यों? तो सत्यरंजन जी, मैं आपसे इस काम को वो बड़ी आसानी से करेंगे, गारंटी भी देंगे, केवल यदि हम 10 लोगों को जोड़ने का अपराध मुक्त भारत मिशन से संकल्प करें और जिनको हम जोड़ें वो आगे जोड़ें, और इसके लिए हमने हर लिंक पे जो है एक अपने वेब पोर्टल का भारत के उस वेब पोर्टल की लिंक को यदि आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वेब पोर्टल पर पहुंच जाएंगे जिसमें मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशन देके ये बातें समझाई हैं, ठीक है ना? तो आप उन प्रेजेंटेशन को देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, नंबर एक। नंबर दो, उसी पोर्टल में होम पेज, होम के बगल में एक वेब पोर्टल का वेब का क्राइम फ्री भारत मिशन पोर्टल का ऐप का लिंक है, तो उसको क्लिक करके यदि आप भारत के पोर्टल को डाउनलोड कर लेंगे तो उससे आप जो है क्लिक करके बड़ी आसानी से क्राइम फ्री भारत के ऐप पर पहुंच पाएंगे, ठीक है ना? लेकिन ये पोर्टल का ऐप है, राइट?
जी। इसी पोर्टल पर जो है ज्वाइन क्राइम फ्री भारत की लिंक है, उस पर क्लिक करके आप क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ज्वाइन क्राइम फ्री भारत, राइट? ज्वाइन का क्राइम फ्री भारत, हाँ, ये कई जगह पे लिखा हुआ है, एक जगह पे नहीं, चार पांच जगह पे लिखा हुआ है। तो जहाँ पे भी ज्वाइन क्राइम फ्री भारत लिखा है उसे क्लिक करिए, वो आपसे कहेगा डाउनलोड ऐप, तो डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपना फोटो डालिए, अपना नाम लिखिए, अपने बारे में लिखिए, इस एरिया में रहते हैं, इसका एरिया पे लिखिए और इसे ऐप के माध्यम से जी सर। फिर उसमें एक जो दूसरी लिंक दी गई है वो टेलीग्राम ऐप की दी गई है। तो यदि आप टेलीग्राम ऐप का यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप से टेलीग्राम ऐप बहुत सुपीरियर होता है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। सतरंजन जी, हाँ, टेलीग्राम में यूज नहीं करता हूँ सर। तो उसे आप अभी बिना हमारी बातचीत समाप्त करते ही सबसे पहले हेलो, मैंने कहा आप सबसे पहला यही काम करेंगे सर। थोड़ा बहुत आवाज कट रहा है आपका सर। हाँ, कोई बात नहीं, ये आपको वीडियो सुनने को मिल जाएगा, उसमें साफ सुनने को मिल जाएगा जी सर। तो मैं इसमें बहुत छोटी बात कह रहा हूँ कि आप जो है सर, जैसे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया है ऐसे ही गूगल प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जी सर, कर लूंगा। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप दूसरी लिंक को क्लिक करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के टेलीग्राम ऐप ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। किससे जुड़ जाएंगे? क्राइम फ्री भारत मिशन के टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना जी सर? क्लियर। फिर उसमें तीसरी लिंक है वो YouTube चैनल मिशन की है। तो YouTube चैनल में क्राइम फ्री भारत मिशन की जो चैनल है उसको तीसरी लिंक को क्लिक करके उससे जुड़ जाइए और जब आप इतना काम कर लें तो फिर मुझसे फिर से बात करिए। जी सर, जी सर। तो सतरंजन जी, क्या आप 9 दिनों में अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? श्योर सर, व्हाई नॉट। तो क्या आपको जो बात साधारण सी बताई गई है कि 10-10 लोगों को 9 दिन में जोड़ने का व्रत पूरा करें, तो क्या इस व्रत को आप पूरा करेंगे? जी सर, जरूर पूरा करूंगा। चलिए, क्या जिन लोगों को आप जोड़ेंगे उनसे भी 10 दिन का ये व्रत, 9 दिन का ये व्रत पूरा कराएंगे? जी सर। चलिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, हम आपको 10वें दिन से महापरिवर्तित भारत देने की शुरुआत कर देंगे, ठीक है? जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।